राश ग्रहण करता है साझेदारी फर्म से उनकी राश किस्तों में किस प्रकार देय है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, सभी लोग ध्यान देंगे। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि किस्तों में भुगतान कैसे किया जाएगा? देखिए, यदि फर्म अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली धनराशि की व्यवस्था एक साथ नहीं कर पाती तो इस स्थिति में निवृत्त साझेदार को देय राशि को उसके ऋण खाते में अंतरित कर दिया जाता है तथा इस ऋण का बराबर किस्तों में ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। ब्याज की गणना सदैव अवशेष ऋण की राशि पर दी जाती है। तो इसकी एंट्री सब इसे तीन भागों में किस्त के भुगतान के लेकर के इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है निवृत्त साझेदार को देय राशि को उसके ऋण खाते में हस्तांतरित करने पर, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है उसके खाते में जो राशि हस्तांतरित की जाती है वह ऋण की राशि मानी जाती है, उसे ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इसकी अकाउंट एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायरिंग लोन अकाउंट। नरेशन इसका होगा बीइंग रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। यह पैसा अवकाश प्राप्त साझेदार के खाते में ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके बाद जो राशि ट्रांसफर की जाएगी उस ऋण पर जब ब्याज सहित किस्त में भुगतान किया जाता है तो ब्याज भी लगता है, तो इसका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। जो भी पार्टनर अवकाश ग्रहण कर रहा है उसके ब्याज पर, जो फर्म में लोन लिया है उसके पूंजी की राशि पर इंटरेस्ट भी उसे देय है। अगला है ब्याज सहित किस्त का भुगतान करने पर रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट DR टू कैश बैंक या कैश में या बैंक में जो ब्याज उसे दिया जाता है किस्त के साथ भुगतान किया जाता है वह या तो कैश में या तो बैंक के द्वारा उसके खाते में ट्रांसफर कर सकता है या उसे हाथों हाथ कैश इन हैंड के द्वारा उसे दे सकता है। इसकी होगी नरेशन बीइंग इन इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट पेड, उसको चुका दिया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अवकाश प्राप्त साझेदार का इंटरेस्ट किस प्रकार अलग अलग साझेदारों को बांटा जा रहा है। देखिए, हम लिखा गया है कि एक साझेदार सात के अवकाश ग्रहण करने पर उसे 3,00,000 रुपये दिए था, जिसे तीन बराबर किस्तों में देना हुआ तय हुआ। इस पर 6% वार्षिक ब्याज भी देना तय हुआ। फर्म की बहियों में साझेदार का ऋण खाता बनाना है। जब फर्म की बहियों में हम साझेदार का ऋण खाता बनाएंगे तो इसमें जितना भी, क्योंकि एक साझेदार था जिसको 3,00,000 रुपये दे था लेकिन उसे 3 किस्तों में देना तय हुआ और उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी लगा। इसके लिए हम एक बही खाता बनाते हैं, सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लेंगे। आप लोग इसमें देखेंगे फर्स्ट ईयर, क्योंकि 3 वर्ष का हमें निकालना था, टोटल 3,00,000 रुपये दे था जो 6% के हिसाब से उसे ब्याज दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर हमने 31 दिसंबर को जब देखा तो टू बैंक अकाउंट, उसके बैंक अकाउंट में क्योंकि 3 पार्टनर थे, जब उस 3 लाख को जैसे 3 लाख का अगर से हम बांटेंगे 3 पार्टनर में तो आएगा आपका बराबर 1,00,000 रुपये। अब 1,00,000 रुपये पर ही इंटरेस्ट तो पूरे पर दिया जाएगा लेकिन 1,00,000 रुपया जो इसका हिस्सा था उसी हिस्से में जो ब्याज रहता वो जुड़ेगा। तो 1,00,000 जो इसका हिस्सा आया है वाला, इस हिस्से में 18,000 उसका जो ब्याज था वो जोड़ा गया।
इस ब्याज को जोड़ करके 1,18,000 रुपये इनवर्ट किया गया। जब 1,00,000 रुपये निकाल दिया गया था टोटल उसका बैलेंस 3,00,000 में से 1,00,000 निकालेंगे 2,00,000 बचेगा। तो टू बैलेंस सीधे के रूप में हम लोग 2,00,000 रुपये दिखा देंगे, टोटल हो जाएगा 3,18,000। इसके बाद बाई में देखते हैं कि बाई सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी ने पैसा लिया था 3,00,000 रुपये यहाँ पर देखिए, और बाई इंटरेस्ट अकाउंट 3,00,000 पर उसे जब 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा तो हो जाएगा 18,000। तो 3,18,000 यहाँ पर टोटल जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर में 31 दिसंबर को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक साल तो निकल गया है 1,00,000, दूसरे साल भी 1,00,000 से दिया जाएगा, उसमें 3,00,000 पर 6% दूसरे साल भी ब्याज लगेगा 2,00,000 पर। 2,00,000 पर क्योंकि 2,00,000 यहाँ पर बचा था, 2,00,000 पर 6% लगेगा, 6×12,000, तो आपका 12,000 हो जाएगा। 1,00,000 में 12,000 जोड़ दिया जाएगा तो 1,12,000, क्योंकि 1,00,000 उसकी पूंजी थी, 12,000 उसे इंटरेस्ट दिया गया है, उसमें 18,000, तो 1,12,000 हो जाएगा टू बैलेंस सीधी। अब 2,00,000 में से जब 1,12,000 लिख देंगे, अब 2,00,000 में से 1,00,000 इसे मिल गया तो बचेगा 1,00,000 जो अब 1,00,000 यहाँ पर इसको दिया गया और 1,00,000 सेकेंड ईयर में दे दिया गया, टोटल 3,00,000 रुपये था। तो 1,00,000 जो बचा है उसे हम टू बैलेंस सीडी के रूप में दिखा देंगे। बाई बैलेंस के बाई बैलेंस सीडी आपका 2,00,000 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर 2,00,000 जो बाई बैलेंस सीडी के रूप में था कि बाई बैलेंस सीडी के रूप में चला जाएगा। और बाई इंटरेस्ट जो 2,00,000 रुपये है इस पर 6% ब्याज दिया जाएगा तो 12,000 रुपये होगा। 2,12,000 यहाँ हो गया, 2,12,000 यहाँ, दोनों का बैलेंस बराबर। आइए देखते हैं तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष टू बैंक अकाउंट जो आपका 1,00,000 रुपये बचा था उसे हम ट्रांसफर करेंगे, जो यहाँ पर एक टू बैलेंस सीडी था 1,00,000 रुपये बचा था, इसे हम बाई में दिखाएंगे, बाई बैलेंस सीडी के रूप में 1,00,000 और 1,00,000 पर 6% इंटरेस्ट देंगे तो 6,000 आएगा। तो 1,00,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो 1,06,000 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1,00,000 जो था टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट, उसके बैंक में 1,00,000 रुपये पहले से था लेकिन 6,000 से ब्याज दिया गया, यहाँ पर देखिए 6,000 ब्याज दिया गया तो 1,06,000 हो गया। इस तरह से हम लोग सी का लोन अकाउंट जो है हर वर्ष उसका इंटरेस्ट दे करके उसके अकाउंट को क्लोज करेंगे।